हेलो एवरीवन, आप लोग का एक बार फिर से हमारे साथ स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई से जुड़ी हुई कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। आईटीआई की एग्ज़ाम वो फाइनलाइज शेड्यूल डीजीटी ने जारी कर दिया है। और आप लोग ने, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे से बात की और उन्होंने पूछा कि ये जो पेपर कुछ पेपर में आया हुआ था कि सितंबर में आप लोग की एग्ज़ाम होने वाली है, तो यहाँ पे आप लोग के जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आप लोग की एग्ज़ाम सितंबर में नहीं होगी। इसका फाइनल शेड्यूल जारी किया है आईटीआई के एग्ज़ाम के लिए कि आप लोग की फ़ाइनल एग्ज़ाम अब जुलाई में होना तय है और आप लोग अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अभी आप लोग के पास टाइम है तो 31 मई तक आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए ताकि आप लोग को 1 जून से लेके 31 जून तक आप लोग की प्रोजेक्ट वर्क होगा, असाइनमेंट होगा, यानी टोटल प्रैक्टिकली वर्क जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो आप लोग के कॉलेज में करवाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे थ्योरी की क्लास नहीं करवाई जाएगी और आप लोग को थ्योरी, जैसा कि आप लोग लॉकडाउन से पहले अगर क्लास गए हैं, कॉलेज गए हैं, तो वहाँ पे आप लोग की 60-70% जो है सिलेबस वो कंप्लीट कराई गई थी, बाकी उसमें कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई थी, छूट गई थी। तो आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन, अभी बहुत सारी साइट हैं, ऐप्स हैं और बहुत सारे डीजीटी ने आपको भी सुविधाएं दी है कि आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपनी सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ का तैयारी करेंगे और जैसा कि मैंने आप लोग से ये बोला है कि आप लोग की एग्ज़ाम जो होगी वो जुलाई में होगी और इसका डेट क्या है, इस बात का ख्याल रखते हुए आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे और जैसा कि आप लोग प्रोजेक्ट वर्क होगा तो उस पर भी ध्यान देंगे और अपने कॉलेज से कांटेक्ट कर लेंगे एक बार ताकि आप लोग की किसी भी स्टूडेंट की एग्ज़ाम ना छूटे। और सितंबर जारी हुआ था सितंबर वाले एग्ज़ाम का, उसमें ऐसा कुछ नहीं है तो वो पुष्टि अब हो चुकी है डीजीटी के द्वारा। आप लोग अपनी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें, आप लोग के पास अभी भी बहुत सारे टाइम है अपना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ आप लोग शेयर करें ताकि वो लोग जो भी सितंबर वाले कन्फ्यूज़न में थे वो सितंबर में नहीं जुलाई में है वो कन्फर्म हो जाए और उनके एग्ज़ाम नहीं छूटे। मैं आप लोग से यही उम्मीद करूंगी कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है, जो स्टूडेंट सितंबर के भरोसे थे वो यहाँ पे अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए वरना आप लोग की रिज़ल्ट ख़राब हो सकती है। और अपने बेहतर रिज़ल्ट के लिए आप लोग को पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर अपने ऑफलाइन बुक के माध्यम से हो, आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मेरा बेस्ट विशेज आप लोग के साथ है कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम को फाइनल। अब हम बात करेंगे आपके फाइनल एग्ज़ाम के डेट्स के बारे में। आपके फाइनल एग्ज़ाम की डेट है वो है 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। आप लोग की फ़ाइनल एग्ज़ाम यहाँ पे 16 जुलाई से 31 जुलाई होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें, आप लोग के मन में जो भी डाउट्स हो वो डाउट को आप अपने कॉलेज में क्लियर कर सकते हैं। आपकी एडमिट कार्ड आने वाली होगी या फिर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इस चीज़ की जानकारी अपने कॉलेज जाके या अपने कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग बात कर सकते हैं, वहाँ से आप अपनी बेहतर जानकारी ले सकते हैं। फ़िलहाल ये डीजीटी की फ़ाइनल डिसीज़न है और ये वेबसाइट जो है आप लोग की वहाँ पे डीजीटी के साइट पे मिल जाएगी जहाँ से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप लोग को नहीं मिल रहा है तो मैं आपको एक साइट बताती हूँ जिसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर इस चीज़ को ध्यान में रख लीजिए कि आप लोग को nimionlineadmission.in पे, यहाँ पे जाने के बाद आप लोग की वो जो सारी पढ़ाई की जो सुविधाएं हैं वो लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी और उस लिंक पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी और आप लोग अपनी पढ़ाई को वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी और आप लोग, आई होप कि ये वीडियो में आप लोग को सब चीज़ क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, ये जो आपने बहुत मेहनत की है जब स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, उस मेहनत का ये नतीजा होना चाहिए कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम आप फाइनल करें। आपकी मेहनत रंग लाएगी और इसे एग्ज़ाम को फाइनल क्लियर करें। और एक फिर से नई जानकारी के साथ हम लोग के मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।